हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रीति सिंह। आगे हूँ मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो लेके। और जो आज की मेरी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। मैंने उसमें काफी कुछ टेक्निक्स आपको बताई है उस पेंटिंग में, और मैंने भी कुछ मतलब पहली बार इस ऐसी पेंटिंग बना के एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिला है मुझे ये वाली पेंटिंग करके। सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो, ये पेंटिंग। आई होप कि आपको भी ये पसंद आएगी। और चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या इसमें टेक्निक्स आपको बताई है और क्या पेंटिंग बनाई है मैंने आपको। वैसे तो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे ये पेंटिंग पूरी कंप्लीट करी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू पेंटिंग। सो गाइस, मैंने लिया है यहाँ पे कैनवास बोर्ड, और वो भी 8x10 का। आपके पास जो भी अवेलेबल होगा आप उस पर ये पेंटिंग बना सकते हैं। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो कलर ही लिए हैं, इससे ज़्यादा हमें कोई कलर नहीं लेना है, क्योंकि हमको रेन की पेंटिंग करनी है। जो बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा ब्लरिंग और थोड़ा मतलब क्लियर नहीं दिखाना है, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर यूज़ करे हैं, एक ब्लैक और एक टिटेनियम वाइट कलर। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर बहुत ही कम लिया है, वाइट कलर मैंने हर जगह पे लगाया है। इससे क्या होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ग्रे कलर का बनेगा, और ऐसा हमें इसलिए करना है, अगर हम ब्लैक की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो हमारा बैकग्राउंड बहुत ब्लैक हो जाएगा, और जो हम इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं इसमें, जो इफ़ेक्ट हम इसमें देना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा जो हम रेन का देने वाले हैं। तो इसलिए हमने इसमें ब्लैक का क्वांटिटी कम रखे, वाइट कलर हम इसमें ज़्यादा रखेंगे, और उसको पूरे बैकग्राउंड के लिए हम उसको रेडी करेंगे। जैसे कि आप पेंटिंग में देख रहे हैं कि मैंने कैसे पूरे बैकग्राउंड बनाने के लिए अपने कैनवास बोर्ड को पूरा ग्रे कलर से कर दिया है। बीच में आप देखिए कि इसमें थोड़ा सा मुझे और वाइट शेड देनी है, जो ग्रे देनी है, और जो इसके लेफ्ट और राइट की शेड होगी वो थोड़ा सा मुझे डार्क ग्रे में करना है, और जो मीडियम वाली होगी उसमें मुझे लाइट ग्रे करना है। सो अभी मेरा बैकग्राउंड बन के रेडी नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे वाइट कलर और लगाऊंगी, जिससे कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा हाईलाइट हो और बीच में थोड़ा लाइट ग्रे का लुक आए उसमें। सो यहाँ पे मैंने ऐसा किया है, आप देख रहे हो वीडियो में, ये देखिए बिल्कुल जो आपको जो स्ट्रोक मारना है ब्रश का वो अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट में नहीं चलेगा, क्योंकि हम रेन का बैकग्राउंड बना रहे हैं, तो इसलिए हमें अप एंड डाउन का ही स्ट्रोक मारना है ब्रश से। यहाँ पे मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है, आपको भी फ्लैट ही करना है, राउंड ना लेके। और ये देखिए मेरा होता है बन के रेडी यहाँ पे बैकग्राउंड। तो हो गया मेरा बैकग्राउंड रेडी। अब मैं जो यहाँ पे ब्लैक कलर और वाइट कलर से जो शेड दे रही हूँ साइड में, जहाँ पे मैंने ब्लैक का जो लेफ्ट राइट बताया था कि उसमें थोड़ा डार्क शेड आएगा ग्रे कलर का, तो उसमें मैं इसमें ये शेड दूंगी ग्रीन सॉरी ग्रे का, ब्लैक एंड वाइट का मिक्सर करके स्पॉन से मैं इसमें टैप टैप करूंगी। जो आप ये देख रहे हैं ये साइड से ट्रीज का लुक आने वाला है इसमें, और हम जो बीच में जो हम ये वाइट वाला जो आप टेक्सचर देख रहे हैं ये हमारा पाथवे बनने वाला है, जहाँ पे एक लड़की अम्ब्रेला लेके चलने वाली है। तो सो ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ ट्रीज, और इसमें से मैं धीरे धीरे पूरा पहले जो जहाँ पे ग्रे कलर है लाइट वाला वहाँ पे लाइट ट्रीज बनाऊंगी, और जैसे जैसे ब्लैक का वो आता रहेगा बैकग्राउंड वहाँ पे मैं डार्क ट्रीज बनाऊंगी। और जो भी इफ़ेक्ट आप देख रहे हो मेरी पेंटिंग में वो आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही हूँ इनकी ब्रांचेस। मैं लेफ्ट और राइट जो दोनों का जो बैकग्राउंड है इसमें लेफ्ट राइट का, उन दोनों के जो मैं ट्रीज बनाऊंगी वहाँ की जो ब्रांचेस होगी वो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगी, मतलब एक दूसरे को मिलती हुई एक तरीके एक अम्ब्रेला बन जाता है ना, जैसे पेड़ का कि एक साइड में भी है और राइट साइड में लेफ्ट साइड में दोनों की ब्रांचेस आपस में जुड़ रही है, उस तरीके से मैं यहाँ पे वो इफेक्ट मैं अपनी पेंटिंग में दूंगी। सो मैं यहाँ पे ब्रांचेस बना रही हूँ दोनों साइड, आप देख रहे हो कि मैंने कैसे ब्रांचेस बनाई है। आपको ब्रांचेस बनाइए जैसे आपको रैंडमली बनानी है, इसमें कोई परफेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे लीव्स बनाने हैं कलरफुल वाले। तो सो मैंने यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस दिए टेढ़ी मेढ़ी, आप भी दीजिए फाइनल, जिससे क्या कि आपको रियल लुक दिखाई देगा। सो मैं यहाँ पे पाथ को थोड़ा सा ब्लैकिश शेड दे रही हूँ, जिससे कि आपका जो रास्ता है वो थोड़ा सा मतलब जो होता नहीं है बारिश में कि दिखता है शेडिंग्स दिखने वाली होती है, हमारी रिफ्लेक्शन दिखती है पानी में गिरी हुई, ऐसा करने से हमें ये वाली शेड हमें दिखाएगी, वही रिफ्लेक्शन हमें ऐसा करने पे आता है, जगह जगह पे स्मच किया है। अब देख रहे हो आप इसमें कितना 3D लुक आ रहा है इसमें पाथवे में। अब मैं इसको पेंटिंग को सुखाने के लिए ड्रायर का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि जो बैकग्राउंड में जितने कलर्स लगे वो थोड़ा थिक बनाया है, जिससे कि कलर हमें इसके ट्रीज़ के प्लांट्स ट्रीज़ के लीव्स बनाने के लिए हमें पहले इसको बैकग्राउंड को सुखाना होगा। सो मैंने यहाँ पे पहले स्केच किया था पेंसिल से अम्ब्रेला, और एक लड़की को मैं पहले से ही
रफली स्केच बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर अप्लाई किया है। मैं यहाँ पे जो रेड कलर का यूज कर रही हूँ वो है स्कारलेट लेक का। और अब मैं इसमें आपको दिख रहा है कि अम्ब्रेला को थोड़ा रियल लुक देने के लिए पहले मैंने लाइट शेड का यूज़ किया, उसके बाद मैं थोड़ा ब्लैक और ब्राउन की मिक्सर से उसको एक लुक दूंगी, हाईलाइट करने वाली हूँ जो आप देख रहे हैं वीडियो में। और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि जो मेरा वाइट कलर है उसको मैं डॉट डॉट करके पूरी आउटलाइनिंग करूँगी अपने अम्ब्रेला को। अभी वो देखिए वीडियो में आने। कंप्लीट विद लीव्स। मैंने यहाँ पे तीन शेड दी हैं, येलो ऑरेंज और रेड कलर की। मैंने यहाँ पे पत्ते गिरते हुए बनाए हैं। अब मैं यहाँ पे जो शेडो का लुक दे रही हूँ पानी का, वो मैंने यहाँ पे वाइट कलर से दिया है। और हाँ, आपको रेनड्रॉप्स बनानी है, अगर आपके पास एक स्केल है, स्केल को कलर में डिप करके कलर में पहले थोड़ा सा पानी मिला लेना, तभी आपकी जो पूरा स्केल है उसमें कलर लगेगा और अच्छे से पूरी लाइनिंग से रेनड्रॉप्स बनके रेडी होंगी। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, पैरों में भी मैं रेनड्रॉप्स का जैसे रिफ्लेक्शन पड़ती है वो बना रही हूँ। सो मेरा ये पूरी पेंटिंग होती है कंप्लीट यहाँ पे। बताइए आप कमेंट में कि आपको कैसी लगी मेरी पेंटिंग, और ये रहा इस पेंटिंग का फाइनल लुक। हो गई मेरी पेंटिंग कंप्लीट, जो मैंने आपको दिखाया था कि फाइनल लुक उसका ये वाला है। कैसे देखिए इसकी रिफ्लेक्शन, देखिए कितनी प्यारी बनी है। और जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी कि आपको जो रेन ड्रॉप्स है वो कैसे बनानी है, स्केल से या फिर पेंटिंग नाइफ से, या फिर आप अपना क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, कोई भी एक प्लेन गत्ता भी ले सकते हैं और पेपर का कवर ले सकते हैं, उसको भी आपने रेन ड्रॉप करके बना सकते हैं। और इस सबसे मेन पार्ट क्या होता है हमारी पेंटिंग्स का, जब बन के रेडी हो जाती है तो हमको अपना एक वर्निश का कोड मानना पड़ता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो पेंटिंग होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है और डस्ट से या फिर मिट्टी विट्टी नहीं लगती उसके ऊपर। जैसे कि मैंने अभी इसके ऊपर ये देखिए कितना शाइन कर रहा है, मैंने कोड मारा है इसके ऊपर, इससे मेरी पेंटिंग हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो गई है। अब मैं इसको कहीं भी लगा सकती हूँ और कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही पेंटिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितना हो सके शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जब आपने कोई नई पेंटिंग अटेम्प्ट करी है। तो मेरा जो था मैंने आपको बताया, काफ़ी मज़ा आया मुझे, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं हर एक चीज़, हर एक नया दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो
आप ऐसे ही सीखते रहिए और हमें भी सिखाते रहिए, और मिलती है अपने अगली वीडियो में, कुछ नया लगे कुछ अच्छा लगे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।